लैंड रोवर डिफेंडर जो करेंटली 3 डिफरेंट वर्जन्स में आती है, 90, 110, 130, और काफ़ी बढ़िया सेल्स हो रही है इन लोग की। और जितना एक्सपेक्ट किया था उससे 50% हायर सेल्स रिकॉर्ड की जा रही है, और 15-15 महीने का वेटिंग पीरियड जा चुका है। कस्टमर को थोड़ा और तरसाने के लिए और थोड़ा और पैसा छापने के लिए लैंड रोवर डिफेंडर 70 से ये गाड़ी लॉन्च करने जा रहे हैं, जो एक लोअर सेगमेंट की लाइट वेट अफोर्डेबल एसयूवी होने वाली है, जिसमें आपको डिफेंडर का ब्रांड नेम मिलेगा और बढ़िया लोअर प्राइस पे ऑफरोडिंग व्हीकल आपको मिल पाएगा। आगे आपको बढ़ने से आपको नोटिफाई कर दूँ, आप कार आचार्य चैनल देख रहे हैं, 1000 टारगेट है सब्सक्राइबर, तो जल्दी से उसको कंप्लीट कराइए मेरा। आज के समय डिफेंडर का सबसे सस्ता वर्जन ऑलमोस्ट 90 लाख का आता है, जो काफ़ी महंगा है, पर यूके में सेम वर्जन ऑलमोस्ट 51K pounds, जो यहाँ का 60 लाख बनता है, तो वहाँ पे भी एक प्रीमियम प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आ रही है। तो 35K pounds पे जो एक लोअर सेगमेंट है SUVs का, उस पे एक गाड़ी लॉन्च करने जा रहे हैं, तो गाड़ी को कॉस्ट रिडक्शन करनी पड़ेगी, तो हो सकता है रीबिल्ड कर दें। और इसमें DX प्लेटफॉर्म तो नहीं यूज़ होने वाला, क्योंकि एलुमिनियम बेस्ड है और काफ़ी महंगा हो जाता है। तो इसमें आपको मिल सकता है MLA आर्किटेक्चर लैंड रोवर का, जो आपको डिस्कवरी स्पोर्ट में भी मिलता है, जो स्टील बेस है और काफ़ी सस्ता बना देगा गाड़ी को। डिफेंडर में आपको 300 horsepower मिली, तो सीधी सी बात है कॉस्ट रिड्यूस करनी, तो इतना पावरफुल इंजन नहीं दे सकते, तो इसमें अराउंड 200 horsepower एंड आपको एक 1.5 लीटर 3 सिलेंडर इंजन ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको 150 horsepower एंड आपको एक एडिशनल मोटर और बैटरी का सेटअप मिलेगा, जिससे एक हाइब्रिड इंजन ऑप्शन बन जाएगा, और अराउंड 200 horsepower कंबाइंड आपको मिल जाएगी। डिफेंडर 70 में आपको बढ़िया ऑफरोडिंग मिलेगी, क्योंकि डिफेंडर ब्रांड नेम ही ऑफरोडिंग के लिए जाना जाता है, और इसमें बढ़िया ऑफरोडिंग मोड्स मिलेंगे, लेकिन लोअर स्पेक्स में आपको 4x2 मिलेगा। काफ़ी वियर्ड सी थिंग है कि डिफेंडर 4x2 में आने वाली, पर हाँ, और काफ़ी अफोर्डेबल हो जाएगी गाड़ी। 4x4 आपको हायर स्पेक्स में मिलने वाला है, तो ऑफरोडिंग मोड्स भी बढ़िया मिलेंगे उसमें, और बढ़िया ऑफरोड कर पाओगे, और ताकि बढ़िया ये डिफेंडर ब्रांड नेम की लेगेसी को मेंटेन कर पाए। इसके साइज़ की बात करें तो डिफेंडर 90 से बड़ी होने वाली है, और ऐसा नहीं 70 तो छोटी होगी, बड़ी होने वाली है। और इसमें बढ़िया है आपको 5-door वर्जन मिलेगा डिफेंडर का, तो काफ़ी प्रैक्टिकल हो जाएगी और स्पेशियस हो जाएगी, ताकि ये और मासेस और एवरेज कंज्यूमर को भी अप्रोच कर पाए। प्राइस की बात करें तो 60 पेटी या आप 60 लाख बोल लो, इतना होने वाला है। और क्या कर सकते हैं, लैंड रोवर लोकलाइजेशन इंडिया में काफ़ी कम कर रहे हैं, ताकि कॉस्ट रिड्यूस हो पाए। मेड इन इंडिया होती तो हो सकता है इम्पोर्ट ड्यूटी कम लगती। आगे बात करें भाई, ये डिफेंडर 70 जो है लैंड रोवर की एक लेगेसी को मेंटेन करने के लिए एक अफोर्डेबल SUV को लॉन्च करेंगे। यही था आज की वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से नोटिफाई करूँ, कार आचार्य चैनल काफ़ी अभी आपको सपोर्ट की करनी होगी, और 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पहुंचा दो मेरा भाई। चलो जय हिंद।